तो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो गैस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबेरियन हस्की के बारे में कि कैसे आप उन्हें मेंटेन रख सकते हैं। बहुत लोगों को एक नया पपी लेना होता है, उनके पास अच्छा खासा बजट है और वो साइबेरियन हस्की लेने की सोच रहे, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। वही अगर जिनके पास साइबेरियन हस्की ऑलरेडी है तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, और जो बाकी डॉग को अडॉप्ट करते हैं या फिर रखते हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि उनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। तो गाइस मेरी बनाई वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि कैसी लगी, अच्छी बुरी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको बुरी लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा जो कि आपके और आपके डॉग के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिक्वायरमेंट की कि साइबेरियन हस्की को क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो अगर आपके पास एक छोटी फैमिली है तो भी साइबेरियन हस्की आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। बच्चे हैं और आपके घर में बुज़ुर्ग कोई है तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि साइबेरियन हस्की सबके साथ काफ़ी अच्छे से और फ्रेंडली रहते हैं। एज अ वर्किंग डॉग ब्रीड की कैटेगरी में आते हैं डॉग ब्रीड। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये डॉग ब्रीड आपके लिए गार्ड करे या फिर आपके लिए एक आप बोल सकते हैं वॉच डॉग की तरह रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये डॉग फ्रेंडली है और अच्छे नेचर के और फैमिली मेंबर के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। वैसे अगर आप इन्हें अच्छे से ट्रेन करते तो ये शायद से एक वॉच डॉग की तरह थोड़ा बहुत आपका काम कर सकते हैं अगर आप इन्हें अच्छे से ट्रेन करते। जैसे कि घर में कोई आता है या फिर कोई जाली वगैरह दरवाज़ा वगैरह खोलने की कोशिश कर सकता है तो ये आपको बार करके अलर्ट कर सकते हैं, इतना ही थोड़ा बहुत आपको ये काम करवा सकते हैं, बट आप उसके लिए आपको अच्छी ट्रेनिंग उनको देनी पड़ती है। जो सेकंड सबके साथ इशू आता है और सब ज़्यादा इसके करके इसके साथ डिस्कस करते हैं वो है कि गर्मी के सीज़न में ये डॉग ब्रीड रह पाता है कि नहीं रह पाता। तो आप सबको पता है कि अभी बहुत सारे लोग इनको रखते हैं और जैसे जैसे दिन जा रहे वैसे बहुत सारे लोग इन्हें अडॉप्ट भी करके रख भी रहे, और इंडियन वेदर के हिसाब से भी ये रहे। ऐसा नहीं कि गर्मी में या फिर ठंडी में अलग से रहते। अगर आप इनको मेंटेन रखना है तो आपको थोड़ा बहुत घर का टेम्परेचर जो है ठंडा रखना पड़ेगा। उसके लिए आप जो एसी या कूलर यूज़ कर सकते हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 365 दिन ही इन डॉग को ज़रूरत होती है एसी में, कि 24 घंटे इन डॉग को एसी की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। आप जो दोपहर के टाइम पे अगर समर में होते हैं, समर होता है तब दोपहर के टाइम पे या फिर रात के टाइम पे अगर आप थोड़ी बहुत एसी चालू करके रखते हो तो ये डॉग ब्रीड अच्छे से रहते हैं और वो जो टेम्परेचर होता है उनसे भी काफ़ी ज़्यादा ये मैनेजमेंट हो जाता है इनका। और बात करें जैसे कि बरसात के सीज़न में तो ये डॉग ब्रीड को आपको ज़्यादा करके एसी भी नहीं रखना पड़ेगा, ये नॉर्मल फ़ैन हो गया या फिर कभी कभार एसी चालू कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ठंडी के सीज़न में तो इनको कोई दिक्कत नहीं आती, इनका जो विंटर होता है इनका काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होता है सीज़न, तो ऐसे में इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और उस टाइम अगर आप इन डॉग की ब्रीड की हेल्थ भी देखोगे तो काफ़ी अच्छे से ग्रो भी होगी और इनको अच्छा सा डाइट फॉलो करोगे तो अगर आपका जो हस्की है वो कमज़ोर है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मोटा भी हो सकता है। सभी को जैसे पता है कि आजकल बहुत सारे लोगों के पास एसी है ऑलरेडी और वो लोग को उनके पास साइबेरियन हस्की नहीं बल्कि जैसे कि जर्मन शेफर्ड हो गया, रॉटवेलर हो गया, लैब्राडोर हो गया, तो वो भी जैसे कि उनको रखते हैं एसी के अंदर और एक टाइप का हैबिट हो जाता है। तो अगर आप रखते हैं आपके पास 24 अलग आप चालू नहीं रख सकते तो आप ऐसी हैबिट रखिएगा जैसे कि दोपहर के टाइम या फिर रात के टाइम आप चालू करें थोड़ी बहुत एसी, तो उसके कारण डॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव भी कर सकता है। और ख़ास करके आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि दोपहर के टाइम पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया 40 डिग्री 45 डिग्री या फिर 50 डिग्री के आसपास भी हो जाता है गर्मी के टाइम पे, तो ऐसे कंडीशन में आपको उसको बाहर नहीं ले जाना। तो ये साइबेरियन हस्की की नहीं बल्कि सारे डॉग की बात है कि दोपहर के टाइम पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो आप ना ले जाए तो अच्छा है। और ख़ास करके गाड़ी में ले जाते हो तभी भी आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी में भी डॉग को अकेला नहीं छोड़ना है, तो उसके कारण डॉग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप साइबेरियन हस्की को मेंटेन रखने का एक जो सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम आती है वो है कि उनका शेडिंग और उनके बाल के ऊपर आपको ध्यान देना है। ऐसे में तो आप उनको ओमेगा 6 ओमेगा 3 ऐसे बहुत फैटी एसिड ऐसे बहुत सारे जो मल्टीविटामिन आती है टैबलेट आती है वो भी उन्हें दे सकते हैं उनके कोट के लिए। उनके कोट की जो फिश ऑयल होता है वो भी कभी कभार टैबलेट में भी आता है या फिर खाने के अंदर भी आता है डॉग फूड के अंदर, उसमें भी आप उसे दे सकते हैं जिसके कारण उनका कोट काफ़ी ज़्यादा शाइनी हो, निखर के आए और जो कलर होता है कलर कॉम्बिनेशन होता है वो काफ़ी बना रहे। कोई कोई डॉग को आप देखोगे कोट काफ़ी ज़्यादा सूख जाता है, रुका सूखा लगता है, तो उनको मेंटेन भी आपको रखना पड़ता है। तो इसके लिए आप जैसे कि रेगुलर ब्रशिंग वगैरह करवा सकते हैं, आप नहलाने के टाइम पे आप उसको अच्छा शैम्पू यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे कंडीशनर भी आते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ज़्यादा केमिकल के आप ना करें तो ही अच्छा है अप्लाई, क्योंकि वो उसके कारण कभी कभार डैमेज भी हो जाता है कोट,
तो वो आपको देखना है कि कोई भी कंपनी का आप यूज़ मत कीजिएगा जिसमें केमिकल वगैरह ज़्यादा हो मात्रा में हो, ऐसे प्रोडक्ट आप यूज़ मत कीजिएगा। और जो घरेलू प्रोडक्ट होते हैं वो साइबेरियन हस्की के ऊपर यूज़ मत कीजिएगा, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गए, या फिर और भी कुछ शैम्पू वगैरह हो गए, या फिर खाने में कभी कभार मीठा वगैरह ज़्यादा दे दिया, तो ऐसे सारे कंडीशन में डॉग की हालत ख़राब हो सकती है और उसको डिजीज या कोई और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। साइबेरियन हस्की की हम प्राइस की बात करें या फिर मेंटेन या फिर कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए मैंने जो मेरा सेकंड चैनल है उसके ऊपर वीडियो बना के रखी, तो आप ऊपर जाके आई बटन में देख सकते हैं या फिर लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको डाइट पे भी उनका ध्यान रखना है, जैसे कि डाइट सीजन वाइज आपको चेंज करना है। जैसे कि पहले अगर गर्मी में आप ध्यान रखना कि कभी कभार डॉग वगैरह नहीं खाते, तो उसको आप 3 टाइम में शिफ्ट कीजिएगा, सुबह, दोपहर को और शाम को। वैसे बरसात के टाइम पे आप भी 3 टाइम भी दे सकते हैं या फिर 2 टाइम भी दे सकते हैं। ठंडी में आपको क्या करना है कि जो ज़्यादा मल्टीविटामिन हो गया वो, उसके अलावा उसके साथ साथ आपको जो है प्रोटीन वाला खाना उसको ज़्यादा देना है, उसके कारण वो अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी ठंडी में उसको काफ़ी अच्छा हेल्थ उसकी इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, यही नहीं बाकी सारे डॉग के भी। तो उस कंडीशन में वो क्या अच्छा खासा मोटा और वज़न भी अच्छे से कर लेगा। साइबेरियन हस्की एक ऐसी ब्रीड है जिसको आपको टाइम ज़रूर देना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर आप कोई भी डॉग को टाइम नहीं दे सकते तो आप डॉग खरीदिएगा मत, मतलब अपने साथ रखिएगा भी मत, क्योंकि इससे या तो आपको दिक्कत आएगी और ख़ास करके डॉग को भी तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए अगर आप टाइम देते हो, उनको अच्छे से रखते हो, एज अ फैमिली मेम्बर की तरह रख पाते हो, तो ही आप एक डॉग को लीजिएगा, वरना आप मत बाय करें तो ज़्यादा अच्छा है। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरा सेकंड चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना, और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।